हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट। सो हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पिछले टॉपिक में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करी, तो आज हम देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। लेकिन उससे पहले हमें सबसे पहले हमें ये करना होगा कि प्रिलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 स्टार्ट हो चुका है, स्पेशली क्लासेस फेस्टिवल्स हो रही है और फिर सितंबर को 2020 पे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको 400 प्लस लाइव क्लासेस भी मिल रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि अन अकेडमी में जो यूपीएससी चैंपियनशिप है 2.0 वो ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं और यूपीएससी सीएससी प्रिम्स 2020 और 21 का पेपर जीएसपी, और आपको इसके साथ एक चांस मिल सकता है कि आप यूपीएससी के टॉपर्स के साथ, अन अकेडमी के एजुकेटर्स के साथ, और आपको सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो 30 अगस्त 6 सितंबर 13 सितंबर 20 सितंबर एंड 27 सितंबर अपने कैलेंडर पे आप नोट कर सकते हैं और आपको अभी एनरोल करना है इसके लिए। उसके बाद हम देख सकते हैं हमारे नेक्स्ट मंथ एग्जाम आने वाला और सिर्फ 32 डेज बचे। तो हम अगर कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है तो हमें यूपीएससी सीएससी 2020 अन अकेडमी के साथ ज्वाइन करना होगा। अब हम देखते हैं कि हमें एक सब्सक्रिप्शन के साथ क्या मिलेगा। तो हम हमेशा मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, तो हम सबसे पहले जो बेनिफिट मिलेगा वो है कि हम अपने घर के एनवायरमेंट में पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमें सारे अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगे सारे रिसोर्सेज के और टॉप एजुकेटर्स होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज, डाउट हमारे क्लियर होते रहेंगे और हमें पूरा सिलेबस दोबारा कवरेज होगा और हमें स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में ही मिलेगा। उसके जो आंसर राइटिंग सेशंस है वो भी हमें साइड बाय साइड हमारे टेस्ट सीरीज के साथ चलते रहेंगे ताकि आप दोनों के लिए ही प्रिपेयर रहे। उसके बाद ये सब जो होगा वो हमारे मेंटर और गाइडेंस के अंदर होगा। उसके बाद हमारे जो बैचेस है वो 7 सितंबर 2020 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल टाइम में स्पेस करें, अभी एनरोल करें यहाँ पे। और यहाँ पे 3 बैचेस है, आप इसमें से जो भी चूज कर सकते हैं अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। सबसे पहला बैच है वो बाइलिंगुअल, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाएंगे। जो दूसरा बैच है वो सिर्फ हिंदी के लिए और जो तीसरा बैच है वो सिर्फ इंग्लिश के लिए। और अगर आप अभी सब्सक्राइब करते हो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा और आपको सिर्फ ये अप्लाई करना है ये कूपन का कोड। अब आप देख सकते हैं हमारे जो हमें डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में होंगी और आपको डेली 7:30 PM 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स 40 मार्क्स का, और आपको साथ में इसके टेस्ट एनालिसिस भी मिलेंगे जिसमें आपके करंट अफेयर्स बिल्कुल अप टू डेट रह गए। उसके बाद अगर आपको हमारा ये YouTube चैनल और आपके हमारे वीडियोस वगैरह आपको पसंद आएंगे तो आप प्लीज़ उसमें लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो और आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम में, फेसबुक में, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। उसके बाद जो सबसे पहले हम टॉपिक इसमें कवर करते हैं वो है डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। हमारी क्या डिमांड थी? तो सबसे पहले जो हमारी डिमांड थी वो तो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का पुट फॉरवर्ड हुआ वो है 1934 में। अब ये किसने फॉरवर्ड करा? एम एन रॉय ने, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट के बाद थे हमारे कंट्री के, और INC ने, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसने डिमांड करा कि हम फ्रेम करेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद ये जो रखा गया वो है ऑगस्ट ऑफर के अंडर रखा गया ऑफ 1940। उसके बाद जो क्रिप्स ने प्रपोजल रखा वो रिजेक्ट हो गया मुस्लिम लीग में। वो चाहते थे कि जो इंडिया है, मतलब ये जो कंट्री है, वो डिवाइड होती दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, हिंदूज के भी और मुस्लिम्स के। और जो कैबिनेट मिशन है वो फिर एक कैबिनेट मिशन को अपॉइंट करा और उसको डायरेक्ट इंडिया भेजा और हमें देखना चाहते कि सिचुएशन क्या और हमें क्या ज्यादा सूटेबल करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हुए है कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब ये जो थी वो कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया था नवंबर 1946 में एक स्कीम के अंडर, जो कैबिनेट मिशन के प्लान के अंडर फॉर्मुलेट हुई थी। और इसके सबसे पहले जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो थी 389 स्ट्रेंथ, जिसमें 236 अब ब्रिटिश इंडियंस को मिला था और 93 जो प्रिंसली स्टेट्स है। और उसमें जो रिप्रेजेंटेशन थे और जो इलेक्शन होने थे और जिसे इलेक्ट करने थे लीडर, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इलेक्ट करने थे डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड से। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें सेपरेट सीट्स मिली थी बेसिस ऑफ कौन से तीन बेसिस थे कम्युनिटी के, एक तो थी मुस्लिम, सिख एंड जनरल। जनरल मुस्लिम एंड सिख नहीं आते, उसके अलावा जो बाकी कम्युनिटी उसके आते। उसके जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच कम्युनिटी वो इलेक्टेड होने था बाय द मेंबर ऑफ कम्युनिटी, वो थी सिंगल ट्रांसलेबल वोट। तो हम देखते हैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी था, यहाँ पे सिंगल ट्रांसलेबल वोट भी था। अब इसमें थोड़ा डायरेक्टली ये जो कम्युनिटी है वो अपने लीडर को इलेक्ट कर सकती थी, जो आगे अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उसके जो रिप्रेजेंटेशन थी प्रिंसेस सेफ ने, उसमें जो नॉमिनेट करता वो जो उनके
हेड्स या प्रिंसिपल चेयर में वही नॉमिनेट करते हैं और आगे अपने कैंडिडेट देते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे काम करा। तो जो फर्स्ट मीटिंग थी वो थी दिसंबर 9, 1946 में हुई थी और इसके जो मेंबर बने थे, जो ओल्डेस्ट मेंबर जिनको हेड बनाया गया था जो टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट के लिए, वो थे डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा, द ओल्डेस्ट मेंबर थे। तो इनको बना दिया गया, आप नीचे इनकी फोटो भी देख सकते हो कि इन्हें बना दिया था टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद एच सी मुखर्जी, वी टी कृष्णावचरी भी इलेक्ट हुए थे वाइस प्रेसिडेंट के लिए, सिर्फ इसके लिए। उसके बाद सबसे पहले चीज हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिसंबर 13, 1946 में आया गया था और इस और ये इम्पोर्टेंट क्यों ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसमें जो फिलोसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर की उसके बाद बात करेंगे। तो सबसे पहला फीचर है कि हम इंडिया को प्रोक्लेम करेंगे इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक है और फ्री है। उसके बाद जो टेरिटरीज है जो अभी प्रेजेंट, जो उस टाइम की प्रेजेंट ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करती, वही पार्ट बनी वो है इंडियन स्टेट के। उसके बाद हमने गारंटी करा था, सिक्योर करा था कि सारे लोग जो है उन्हें इंडिया को उन्हें जस्टिस मिलेगा, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट्स वगैरह सारी राइट्स मिलेगी, अपना रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन और जितने भी सारे राइट्स हमें मिलेगा। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट स्टेप था वो था हमें माइनॉरिटीज को सेफ गार्ड करने और बैकवर्ड एरिया, तो इनकी राइट्स हमें सेफ गार्ड करनी थी मेजोरिटी से। उसके बाद ये जो अडॉप्ट हुआ था वो जनवरी 22 में अडॉप्ट हुआ था 1947। उसके बाद कहते हैं हमने क्या क्या चेंजेस करे हमने इंडिपेंडेंस एक्ट में, तो हमने थ्री बेसिक चेंजेस करे थे, वो थे वो पोजीशन ऑफ असेंबली, पहली तो ये कि ये फुल्ली सॉवरेन बॉडी है, दूसरा ये कि एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जिसमें क्या बनेंगे इनके दो प्राइमरी काम है, वो है सबसे पहले तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा, फ्रेम करना होगा। उसके बाद जो हम बना लिए उसके बाद हम कैसे इन लॉस को इनैक्ट करेंगे प्रैक्टिकल में। उसके जो थर्ड चीज है वो है कि मुस्लिम लीग मेंबर्स अपने आप को विड्रॉ कर दिया था, ये एज अ प्रोटेस्ट विड्रॉ करा था कि उन्हें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। और उसके बाद जो अदर फंक्शंस थे वो थे रेटिफाइड, क्या अदर फंक्शन था कि इंडिया को रेटिफाई करेंगे कि इंडिया मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ में उन्हें मेंबरशिप मिल जाएगी और कभी भी उसके बाद ये विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट करा था और जो नेशनल एंथम है वो 24 जनवरी 1950 में करा था और नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 में ही अडॉप्ट करा था सेम डे। उसके बाद हम बात करते हैं कि मेजर कमिटीज कौन सी है। अब जो मेजर कमिटी में सबसे पहला आता है वो यूनियन पावर्स कमिटी जो है जवाहरलाल नेहरू के पास, जिनके हेड जवाहरलाल नेहरू थे। तो सेकंड आता है वो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कमिटी जो जवाहरलाल नेहरू अगेन के थे। उसके बाद आते हैं प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर, एडवाइजरी कमेटी जो फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरिया थे वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसमें हमने डिवाइड करा है कि इसमें कौन सा इसमें क्योंकि बहुत बड़ा था तो उसमें हमने डिवाइड करे हैं डिफरेंट जॉब्स करना है कमेटी के अंदर। पहला तो जो फंडामेंटल कमेटी वो जे बी कृपलानी के पास थी, माइनॉरिटीज कमेटी तो एस सी मुखर्जी पे थी और जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरियाज कमेटी थी जिसमें असम को एक्सक्लूड करा गया था वो गोपीनाथ थी, उसमें वो हेड थे। उसके जो एक्सक्लूडेड पार्शल एरियाज हैं जो हमने उससे पहले नॉर्थ ईस्ट से डिवाइड करा वो उसके थे ए बी ठक्कर उनके हेड थे। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की कमेटी में कमेटी भी थी। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे जो रूल्स जो प्रोसीजर था कमेटी का वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंदर था और जो स्टेट कमेटी थी मतलब कौन सा स्टेट यहाँ पे इंडिया के अंदर होंगे और कौन सा सेशन वाला जितना एक्ट और जो कौन सा स्टेट हम इंडिया के अंडर होंगे तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके बाद जो स्टेयरिंग कमेटी है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की और जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो हमें पता है कि बी आर अम्बेडकर हेड थे उनके और उन्हें ये जो सेटअप करा था ये था अगस्त 29, 1947 में और इसमें लेस देन 6 मंथ में इन्हें ड्राफ्ट प्रिपेयर करा था और ये सिर्फ 141 डेज बैठे थे। अब इसके मेंबर्स थे अम्बेडकर, गोपालस्वामी, देन अय्यर, डॉक्टर के मुंशी, देन मोहम्मद सलादुन, देन माधव राव, उसके बाद कृष्णावचरी। उसके बाद हमें क्या क्रिटिसिज्म मिलता है इसका, सबसे पहले तो ये कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि ये डायरेक्टली लोगों ने इलेक्ट नहीं करा था, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे। सेकेंड ये एक सॉवरेन बॉडी भी नहीं थी।
और थर्ड इसमें सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करा वो नसरुद्दीन अहमद ने कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी, वेयरएज जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था वो 4 मंथ में हो गया था, तो इसलिए उसने एक टर्म यूज करी होती ड्रिफ्टिंग कमिटी के। उसके बाद ये जो था वो सिर्फ कांग्रेस ने नॉमिनेट करा था, यहाँ पे और कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी, और डैनियल ऑस्टिन ने नाम देता है वन पार्टी बॉडी, क्योंकि सिर्फ उनने ही लॉ में बनाए थे। उसके बाद हम देख सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंथीएस्ट है, बल्कीएस्ट है, क्यों? क्योंकि ये सब लॉयर और पॉलिटिशियन ने डोमिनेट करा है और उनने ही सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं और उनने ही सारे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन करा। उसके बाद हम ये देख सकते हैं ये सिर्फ हिंदू से डोमिनेट था, जिससे लॉर्ड बिस्किट सिमन ने कहा था कि अ बॉडी ऑफ हिंदूज टर्म यूज करी थी। तो थैंक यू सो मच। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें अपने वैल्यूएबल इनपुट्स, ताकि हम अपनी वीडियो और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाए और हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए। थैंक यू सो मच।